मैं महाराज जी को साक्षात इतने देख चुका था, उनके साथ सब लीलाएं कर चुका था। जिस समय मैंने महाराज जी की गाथाएं सुनानी शुरू सुनेंगे की। वो कहीं गए नहीं है, वो तो यहाँ भीड़ से परेशान होके अनेक रूप बदलते रहे, उन्होंने रूप बदला है और किस रूप में हैं है, तो मैं साक्षी हूँ उन चीज़ों का, तो मुझे वो नहीं जमता। अवस्था के जितने भी महाराज जी के संस्मरण, वृत्तांत, घटना, प्यार, लेन देन, फटकार, भोजन, छप्पन भोग, सब मैंने इनको सुनाए हैं कि जीवन कम पड़ जाएगा लेकिन गाथाएं खत्म नहीं होगा। प्रामाणिकता और तथ्यों में सत्यता होनी चाहिए। इतिहास दफन हो गया उस कालखंड में। महाराज जी की जो लीला का क्षेत्र है वो बहुत, वो तो एक लीला है और उसके साथ साथ इन सारे नगरों में, गांवों में महाराज जी घूम रहे हैं, बांट रहे हैं। उनकी बातें आप सुनें और उनको जीवन में उतारने का प्रयास करें। दादा, एक दस्तक मीडिया का सौभाग्य है कि जिसको दादा ने उस समय अपनी यादों में सजोया और आज हम उनको, उन बातों को आपसे शेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए हम महाराज जी की कृपा के लिए निवेदन कर रहा हूँ कि अब एक बार आशीर्वाद दे दें आप यहाँ से दस्तक मीडिया को, फिर आगे की बात कर। मैं शुक्ला जी ने जो महाराज जी की चर्चाओं का, महाराज जी की लीलाओं को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा लिया है, महाराज जी की शक्ति है, महाराज जी करा रहे हैं और ये पूर्ण रूप से वहाँ तक पहुँचे जो महाराज जी का आभा मंडल ऐश्वर्य जो आज जहाँ है, ये हम आशा करते हैं। लेकिन चर्चा के दौरान एक थोड़ा सा जो अनौपचारिक चर्चा थी उसे मैं चाहूँगा कि कैमरे पर आए। जिस समय मैंने महाराज जी की गाथाएं सुनानी शुरू की, पूज्य संजीव दादा ने देखा कोई एपिसोड, कोई कथा, तब कोई परिचय नहीं था और दादा ने आपसे चर्चा की, तो हम चाहेंगे कि उस प्रसंग को आज हम आप सबके बीच ले जाएं। दादा, क्या हुआ था, आपने दस्तक मीडिया सबसे पहले कब देखा? मेरा ख्याल है शुरू के एपिसोड रहे होंगे आपके जी। मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, आप बता सकते हैं कब शुरू किया आपने? तो कुछ थे आपके, कथा सुना रहे थे, कथा सुना रहे थे, मैंने भाई साहब को भेजी, दो तीन एपिसोड भेज दिए थे एक साथ जी। तो मैं दिन में भेजता रहता हूँ, रात को बात करता हूँ। रात को बात करने लगा तो भाई साहब बोले ये और एक नए आ गए बाजार में, पहले से भीड़ लगी थी, ये शुक्ल जी और आ गए, इधर उधर की अनर्गल कथाएँ यहाँ से वहाँ जोड़ दिया, वहाँ से वहाँ जोड़ दिया, ये सब बंटाधार करेंगे महाराज जी की कथाओं का। सारे यूट्यूबर हैं, इनको मतलब उनकी बड़ी अनोइंस थी, बढ़िया हाँ मतलब अच्छे से थी कि ये सब आ गए हैं, इनकी भीड़ लगी हुई है, वैसे अखबार वाले यहाँ से वहाँ जोड़ दिया, वहाँ की लाइन, वहाँ का सिर, वहाँ का हाथ। तो वो अब मैं आपको खुद ही कहूँगा कि मैं मुझे बता दादा क्या लगा था आपको। मैं मेरे भाई संजीव ने को ने मेरे को यूट्यूब भेजते रहते जब शुक्ल जी ने अपना ये कार्यक्रम चालू किया था। मैं महाराज जी को साक्षात इतने देख चुका था, उनके साथ सब लीलाएं कर चुका था, भौतिक आध्यात्मिक अफसर नेता सब मैंने महाराज जी के साथ देखे, तो मेरे तो कुछ अंदर इच्छा रही नहीं थी जो आज जनता जो भाग रही है। तो मैंने कहा ये भी और जो भी कुछ आता है वो प्रत्यक्ष आँखों से देखा है वो उसमें सब नहीं मिलता है, नहीं होता है, तो मैं कहता हूँ ये ऐसे नहीं है, ये दृश्य ऐसे नहीं है, ये घटना ऐसे नहीं है, ये वृत्तांत ऐसे नहीं है, वो मैंने देखा है, वो आता है, तो मैं साक्षी हूँ उन चीज़ों का, तो मुझे वो नहीं जमता, तो मैं कहूँगा अनर्गल सब वेदना होती है वेदना। और जितने चैनल और अखबार वाले जो हैं सब अनर्गल लिख रहे हैं, तो मैंने इनसे कहा एक और शुक्ल जी इनने एक और चालू कर दिया दस्तक मीडिया, और पहले थे एक मिश्रा जी थे, एक वो थे, एक ये थे, ये सब कर रहे हैं चालू जो है, और ये सब बरसाती मेंढक हैं, कुछ दिन चलेंगे उसके बाद नहीं चल पाएंगे। मैंने इनसे कहा तो मेरे भाई ने कहा नहीं देखिए महाराज जी के ऊपर है क्या करते हैं। अच्छा। तो लेकिन मैं तो इस बवाल में पढ़ूंगा नहीं, मैंने तो यह कह दिया स्वांत सुखाय रघु तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं तो अपने आत्म सुख के लिए रामायण की रचना कर रहा हूँ, किसी को भाए कष्ट दे उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो मैंने तो महाराज जी का रसोपालन किया है, तो मैं तो पढ़ के मुझे क्या मैं एक लाइन देगा मैं बंद कर देता हूँ, ये था मेरी प्रतिक्रिया भाई के साथ जिन्होंने मेरे को भेजा था। ये आज वो लगभग 3 साल पहले की बात है, 3 साल। आज शुक्ल जी जो हैं इस महाराज जी के बनाई हुई झोंपड़ी में, जिसका मैंने
महाराज जी नाम रखा है घर का, उस घर में महाराज कल आए हैं और कल से अब तक जो है मैं अपने उस अवस्था के जितने भी महाराज जी के संस्मरण वृत्तांत घटना प्यार लेन देन फटकार भोजन छप्पन भोग सब मैंने इनको सुनाए हैं, आप लोगों तक पहुँचेंगे और वो सभी के सभी प्रमाणित हैं, साक्ष्यदर्शी हैं, मेरे कंप्यूटर में भीतर मेरे मस्तिष्क कंप्यूटर में एज इट पड़े हुए हैं। जय हो, आप सब लोग इनसे लाभ उठाएं, यही मेरे शुक्ल जी को मेरा कि आपका काम आगे बढ़े जाए। चलिए, ये सौभाग्य है हम उन सब भाइयों से या जो महाराज जी की गाथाएं सुना रहे हैं या उनका पिक्चराइजेशन कर रहे हैं या उनके जीवन में बताने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब से मैं केवल एक निवेदन करूंगा कि आप महाराज जी की सच्ची बातें इतनी हैं कि जीवन कम पड़ जाएगा लेकिन गाथाएं ख़त्म नहीं होंगी। और आपको बताऊं कि न तो बहुत सारी बातें आती हैं जो न साहित्य में हैं न कहीं मिल पाती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, शायद आप हमसे सहमत होंगे। महाराज जी लगभग 18 वर्ष नीम करोरी में रहे, वहां किसी ने कुछ नहीं लिखा है। वहां का जो चित्र 18 वर्ष में तो बहुत सारी चर्चाएं होंगी, चंद घटनाएं मिलती हैं, तो वो इतिहास दफन हो गया। मेरा निवेदन ये है कि जब कभी कोई बात हो तो उस पर पूरा रिसर्च करें, आप उस चीज़ को देखें कि ये सच है या नहीं है। वही बात आई कि जब दादा ने आपसे कहा और दादा ने बिल्कुल सही प्रतिक्रिया दी, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका सानिध्य यहाँ पर मिला और वो सानिध्य मैं तो केवल ये समझता हूँ कि अदृश्य रूप में महाराज जी इस सत्संग बेला में हमारे साथ हैं। इस आज की सत्संग बेला का समापन मैं संजीव दादा के मुखारविंद से कराना चाहूँगा। दादा आपका, जब ये भाई साहब की प्रतिक्रिया आई दस्तक मीडिया के बारे में तो मैंने रब्बूदा से विनोद जी का नंबर लिया और फिर इनको फ़ोन किया और भाई साहब का संदेश भेजा कि देखिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रामाणिकता और तथ्यों में सत्यता होनी चाहिए। कहीं तथ्य ऐसे ना हो कि वो आपस में ही टकराएं और लोगों में अपनी प्रामाणिकता खो दें, लोग विश्वास न करें। और मुझे खुशी है कि इस दिशा में विनोद जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और समय समय पे हमारी फ़ोन पे बात होती रहती है, बहस होती है, जिरह होती है। मैंने कहा है कि आप शोध की तरह इस कार्य को करें, शोध की तरह प्रामाणिक प्राइमरी सोर्स लें, सेकेंडरी लें, टर्सरी लें, क्रॉस चेक करें चीज़ों को और एक क्रोनोलॉजी हो। जैसे अभी आपने कहा कि 35 तक महाराज जी नीम करौली में हैं, नीम करौली महाराज जी सिर्फ गुफा के अंदर बंद नहीं है, उस कालखंड में महाराज जी की जो लीला का क्षेत्र है वो बहुत एक्सटेंसिवली पूर्वी भारत और ब्रज क्षेत्र है। मैंने जैसे बताया खुर्जा के अनेक रेफरेंस मिलते हैं, अलीगढ़ के रेफरेंस मिलते हैं, हाथरस के मिलते हैं, कासगंज के मिलते हैं, नीम करौली में तो महाराज जी बैठे हुए हैं गुफा में, वो तो एक लीला है और उसके साथ साथ इन सारे नगरों में गाँव में महाराज जी घूम रहे हैं, बाँट रहे हैं। तो वो सब चीज़ें कलेक्शन होंगी तो वो कालखंड है वो अपने आप सामने आने लगेगा। तो दस्तक मीडिया के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, विनोद जी को शुभकामनाएं कि बस मौलिकता और प्रामाणिकता के साथ कंप्रोमाइज़ न करें। धन्यवाद। मैं आज पुनः मैं ये मानता हूं कि महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी के सानिध्य पाए भक्त बैठे हैं। जिस प्रामाणिकता को लेके मैं चला हूं, जब तक शरीर में सांस है, जब तक महाराज जी की गाथाएं मैं सुना रहा हूं, उसको साथ लेके चलूंगा। कहीं कोई संदेह होता है तो उस चीज़ को मैं नहीं भेजता हूं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग चाहते हैं, महाराज जी के बहुत नज़दीक वाले लोग चाहते हैं, मैं बहुत खुल के बताऊं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, और कभी कभी वो प्रेशर भी बनाते हैं। मत आइए प्रेशर। कभी कभी धन का प्रलोभन
मैं, मेरे पास एविडेंस है, क्योंकि लोगों ने जहां मंदिर बन रहे हैं, जहां और चीज़ें हो रही हैं, वो कहते हैं कि एक एपिसोड मेरे बारे में बना दीजिए और कितना पैसा आप लेते हैं, क्या करते हैं, ये आते हैं ऑफर। महाराज जी की भाषा में वो सब पैसा कोर्ट कचहरी अस्पतालों में चला जाएगा, किसी प्रलोभन के चक्कर में ना पड़े। तो बेटा मेरा जो है सुप्रीम मणि, वो बहुत अच्छे उनको जवाब देता है और वो कभी कभी संतुष्ट असंतुष्ट भी होते होंगे, वो केवल हमें दिखा देते हैं। तो मेरा निवेदन केवल एक है कि महाराज जी के बारे में जो सही बातें आ रही हैं, जो महाराज जी के सानिध्य पाए भक्त हैं, उनकी बातें आप सुनें और उनको जीवन में उतारने का प्रयास करें। दादा एक संदेश मैं आपके मुखारविंद से दिलवाना चाहूँगा कि महाराज जी का जो अनुसरण करना चाहते हैं, जिन्होंने महाराज जी को मानव लीला में नहीं देखा है, क्या करें? जैसे लोग अन्नदान करते हैं, वस्त्रदान करते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं जरा बताएं। उनको महाराज जी के चित्र देख लिया, महाराज जी के मंदिर देख लिए, महाराज जी की तपस्थली देख ली, सब देख रही। इतना देखने के बाद अब तो आँख बंद करके, राम जब वन को गए थे तो मुनियों को, गुरु को, सबको आँख बंद करके नदी के किनारे जाके उनको स्मरण पहले करना, तो महाराज जी को वो उन्होंने जो कुछ भी करना चाहते हैं महाराज जी को आँख बंद करके निस्वार्थ भाव से, और कोई इसमें स्वार्थ और कामना इच्छा न हो, वो समर्पित करें। महाराज जी सुनेंगे, वो कहीं गए नहीं हैं, वो तो यहाँ भीड़ से परेशान होके अनेक रूप बदलते रहे, उन्होंने रूप बदला है और किस रूप में हैं वो, क्योंकि हनुमान जी का कभी वो नहीं है, मृत्यु हम नहीं है, तो अजर अमर, जब उन्होंने वो प्राप्त कर लिया तो उनकी भी मृत्यु नहीं हुई है, वो इस भीड़ से दूसरी भीड़ में वहाँ चले गए, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो फिर और कहीं वो जो है मेला जमा देंगे जो है। तो इसलिए आप जो करना चाहते हैं उनको समर्पित मन से तन से करके और करें, आपका स्वीकार होगा। देवराह बाबा की बात को आपके मुखारविंद से सुना, क्योंकि महाराज जी हैं हम लोगों के बीच में और वो ऐसा कई बार कर चुके हैं, है ना। तो केवल एक ही बात है कि इस नश्वर संसार में आए हैं तो लोगों की भलाई के लिए जो कर सकते हैं वो करें, अपेक्षा केवल अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को निभाते हुए जीवन को आगे बढ़ाए। चल पड़े सब, चल बोलो वैष्णो मैया की जय, बोलो बाबा नीम करो जी।